मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम हर्ष चौरसिया है और आज मैं आपका मंगला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 10 का एक चैप्टर जो एरिया रिलेटेड टू सर्कल है उसको शुरू करेंगे। सर्कल यानी वृत्त। सर्कल का अर्थ होता है किसी समतल पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पर जिसकी केंद्र से जो दूरी होती है वो निश्चित होती है। मतलब बिंदुओं का बिंदु पथ का अर्थ क्या है, हिंदी वाले तो बिंदुओं का बिंदु पथ तो समझ रहे होंगे। बिंदु पथ का मतलब क्या, बिंदुओं का पथ यानी जो बिंदु का जो रास्ता होता है उसी को बिंदु पथ कहते हैं। तो जैसे सर्कल के लिए जो बिंदु पथ होता है वो एक वक्र होता है यानी कर्व होता है, और इस कर्व को जब जोड़ते हैं और जब जोड़ने के बाद जब केंद्र से हम इसकी दूरी तय करते हैं तो वो हर स्थान पर क्या होती है, बराबर होती है। हर स्थान पर क्या होती है, बराबर होती है। और इसी की जो दूरी होती है केंद्र से इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग रेडियस यानी हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। अब इस केंद्र से जो दूरियां होती हैं वो हर स्थान पर बराबर होती हैं और ये जो त्रिज्याएं होती हैं वो हम एक सर्कल में अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। इसकी कोई संख्या नहीं है कि हम किसी सर्कल में 10 त्रिज्या, 20 त्रिज्या, 30 त्रिज्या, जितने भी त्रिज्या हैं उसको खींचेंगे, अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। मतलब इसकी कोई गिनती नहीं है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, इसकी कोई गिनती नहीं है। अब ये जो बिंदुपथ, ये जो रास्ता बनाता है, ये जो रास्ता बनाता है और इसकी जो केंद्र से दूरी होती है, इसी रास्ते को हम लोग परिधि कहते हैं, सर्कमफेरेंस कहते हैं इंग्लिश में। और कि कुछ और शेप्स में, जैसे कुछ और शेप्स हो गया, ये आपका वर्ग हो गया यानी स्क्वायर हो गया, ये हो गया आपका रेक्टेंगल, ये हो गया आपका आयत हो गया। तो इसके चारों की जो दूरी होती है, जो दूरी होती है मतलब जितने इसकी पेरीमीटर होता है उसको कैसे निकालते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है आप समझ लीजिए, मैंने बताया भी है पिछले क्लासों में, पेरीमीटर का मतलब होता है किसी कोने से, कोई एक स्थान पकड़िए, वहां से चलना शुरू करिए, जितनी दूरी आप तय करेंगे यहां पर पहुंचने के लिए वापस, वही आपकी क्या होगी पेरीमीटर, यानी क्या होगी परिमाप होगा वही आपका। ऐसे ही आपका आयत ले लीजिए, आयत में यहां से आप चलना शुरू किए, ये आपका होता है लंबाई और ये होता है आपका चौड़ाई, यहां से आप चलना शुरू किए और घूम के फिर आप यहीं पर पहुंच जाइए, जितनी दूरी आप तय करेंगे वही आपका क्या होगा पेरीमीटर होगा। तो हम लोग वृत्त में यहां पर पेरीमीटर शब्द का नहीं यूज करते, यहां पर हम लोग सर्कमफेरेंस शब्द का यूज करते हैं। सर्कमफेरेंस वर्ड यानी हिंदी में इसको परिधि कहते हैं, हिंदी में इसको परिधि कहते हैं। सर्कमफेरेंस यानी परिधि। तो जो सर्कमफेरेंस की सर्कमफेरेंस का किसी भी दो बिंदुओं को आप ले लीजिए, किसी भी बिंदु, लेकिन वो दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम व्यास कहते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त, वो जो रेखा खींचेंगे हम लोग, किसी जो लाइन को खींचेंगे वो हमेशा सेंटर से होते जानी चाहिए, तभी उसको हम लोग व्यास शब्द का यूज करेंगे, यानी डायमीटर कहेंगे उसको हम लोग, व्यास कहेंगे या तो डायमीटर कहेंगे। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, आपको बताया मैंने कि जो परिधि पर हम लोग जो दो पॉइंट लेंगे वो हमेशा क्रॉस करना चाहिए, केंद्र से होकर ही जाना चाहिए, तभी हम उसको अब क्या कह सकते हैं, डायमीटर यानी व्यास कह सकते हैं। अब आप इस चित्र से कुछ ना कुछ तो समझ गए होंगे, इस चित्र से कुछ ना कुछ तो समझ गए होंगे, क्या समझे आप, देखिए आप ये डायमीटर होता है डी, ये आपको कुछ दिख रहा है, देखिए इतनी दूरी की आर, अभी मैंने आपसे बताया केंद्र से जो वृत्त के परिधि पर जो दूरी होती है उसको त्रिज्या कहते हैं, ये दूरी की आर है तो ये भी आर ही होगा, क्यों, क्योंकि केंद्र से दूरी जो उतनी होगी उतनी इतनी भी होगी, इसको आर माने तो इसको भी आर ही मानेंगे। तो डी बराबर आपको दिख क्या रहा है, आर प्लस आर दिख रहा है ना, तो ये भी डी बराबर क्या होता है, टू आर। तो वही लिखा होता है कि जो डायमीटर यानी जो व्यास होता है त्रिज्या का क्या होता है, दो गुना होता है। तो डायमीटर इज इक्वल टू टू इंटू रेडियस, ये हो गया आपका डायमीटर का फॉर्मूला। डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर टू आर। तो जैसे अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये वैसे आपके 10th लेवल पे पूछे गए लेकिन मैं तब भी बता दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए रेडियस आपका दे दिया 2 सेंटीमीटर, डायमीटर पूछ दिया, तो डायमीटर तो आप निकाल ही लेंगे, 2 × 2 = कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, इसमें कुछ नया है नहीं, ये सब तो एकदम बेसिक है, तो कक्षा 7-8 के बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि मैं अक्सर आपके क्लास में कहता रहता हूं। अब
जो परिधि होती है, परिधि जो कि अभी मैंने आपको पेरीमीटर का मतलब बताया कि उसके चारों ओर की जो दूरी हम लोग तय करते हैं उसको पेरीमीटर कहते हैं, और हम लोग वृत्त में यानी सर्कल में उसके लिए हम लोग सर्कमफेरेंस वर्ड का यूज करते हैं, परिधि वर्ड का यूज करते हैं, और हिंदी में उसको हम लोग पेरीमीटर को परिमाप कहते हैं। तो इस स्थान से हम मान लीजिए चलना शुरू किए, यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ से चलना शुरू करिए, यहाँ से चलना शुरू करिए, ऐसे घूमते घूमते फिर हम लोग यहाँ पहुंच गए जहाँ पर हम लोग चलना शुरू किए ऐसे, और एक बार आकर पहुंच गए। तो यही इसकी परिधि है। अब परिधि निकालेंगे कैसे इसका, इसके लिए परिधि हम निकालेंगे कैसे, देखिए कुछ जो ग्रीक कंट्री थी पाइथागोरस साहब थे वहां के, उन्होंने किया क्या था कि एक बार वो खेत में घूम रहे थे, तो वो जो खेत था वो वृत्ताकार यानी सर्कुलर था, तो उन्होंने क्या किया उसके चारों ओर चलना शुरू किया। मान लीजिए वो चले कुछ दूरी तय, मान लीजिए 44 मीटर उन्होंने चला, ठीक। और उन्होंने फिर व्यास को तय करना शुरू किया, मतलब व्यास से चलना शुरू किया। व्यास का मतलब क्या कि सर्कमफेरेंस के किसी एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक वो लोग जाना शुरू किए, और वो लाइन वहां जा रही थी हमेशा एनसीआर के सेंटर से आ रही थी। तो ये जो दूरी तय किया था मान लीजिए वो 14 मीटर, ठीक। ऐसे ही वो दूसरे छोटे सर्कल दूसरे किसी खेत में गए, दूसरे खेत में अगर वो गए, अगर क्या क्या दूसरे खेत में वो गए जाने के बाद हुआ क्या कि उन्होंने फिर वही काम किया, उन्होंने फिर परिधि चलना शुरू किया, मतलब परिधि का रास्ता तय किया, परिधि का रास्ता मान लीजिए 66 सेंटीमीटर चला, मतलब 66 मीटर चला, मान लीजिए 66 मीटर चला, और फिर उन्होंने व्यास का रास्ता तय किया, मतलब व्यास की दूरी तय किया। इस पॉइंट को समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अच्छी चीज है, बताने जा रहा हूँ कहाँ से आया पाई, तो उसने ही होगा पाई, पाई आया कहाँ से, ये मैं बताने जा रहा हूँ। 66 मीटर इन्होंने दूरी तय की इसके परिधि पर, और उसके व्यास की दूरी उन्होंने तय करना शुरू किया 42 मीटर मान लीजिए, ठीक। तो उन्होंने देखा क्या कि जो व्यास और डायमीटर सर्कमफेरेंस परिधि, व्यास और परिधि, तो जो परिधि और व्यास उसका जो रेशियो उन्होंने निकाला, अनुपात निकाला, तो देखा हर जगह सेम आ, यही चीज उन्होंने कॉपी में आके करा होगा, कॉपी में भी किया तो उनको यही मिला कि जो परिधि और व्यास का रेशियो है यानी सर्कमफेरेंस और जो डायमीटर है उसका जो रेशियो उन्होंने निकाला तो हर स्थान पर उनको सेम मिला, चाहे छोटी सी कॉपी में निकाला एक सर्कल बनाकर, चाहे एक बहुत बड़ा खेत था उसमें रास्ता उन्होंने तय किया, चल कर दूरी तय करी, तब भी उनको अनुपात हर जगह सेम मिला। तो जब उन्होंने ये तय किया तो इसको अगर आप देखिए काटकर 2 × 7 = 22, 22 × 7 यहाँ पर मिला, यहाँ पर काटिए 3 × 3 = 2, यहाँ पर वैल्यू नहीं आ रही है 21 मान लीजिए इसको 3 × 21, 22/7 को हर जगह मिला। ऐसे आप करके आप देखिएगा जरूर कॉपी में, ये आपको हमेशा मिलेगा। एक सर्कल बना लीजिए, मान लीजिए आपको आपके पास इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि आप सर्कल बनाने के लिए कंपास का यूज करते हैं, दूरी लेते हैं, तो हर जगह आप नापना शुरू करिएगा, इस दूरी को तय करिएगा इस तरीके से, और ये दूरी निकालिएगा, ये दूरी आप निकाल लेंगे। अभी इसके लिए मैं फॉर्मूला बताऊँ कैसे निकालते हैं, उसका रेशियो देखेंगे हमेशा सेम आएगा। तो उन्होंने यही से खोज की इसका जो रेशियो है वो हर स्थान पर क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, इसका जो रेशियो था वो हर स्थान पर सेम आ रहा था। इसी को उन्होंने पाई की संज्ञा दी, मतलब पाई वैल्यू बोला, इसी को उन्होंने पाई बोला। पाई जो होता है वो एक ग्रीक लेटर है, पाई जो है ग्रीक लेटर है, इसकी जो वैल्यू होती है वो 22/7 होती है, और इसको 3.14 निकली होती है, ठीक। आगे की बहुत होती है क्योंकि काटे के आप उसको बहुत आगे बढ़ जाए, इसके 3.14, तो वही लिखा होता है कि पाई और 3.14, तो पाई की वैल्यू कहाँ से ही मैंने आपको बता दिया। वैसे ये तो कहानी के भी आपसे रिलेटेड शुरू किया मैंने, आपके क्लास से रिलेटेड, तो ये मैं धीरे धीरे शुरू करने जा रहा हूँ, तो पाई का मतलब तो आपको समझ में आ गया। चलिए इसको मैं मिटाता हूँ, नोट तो कर ही लेंगे पॉज करके, चलिए आगे। तो देखिए ये जो मैंने सर्कल बनाया था, ये सर्कमफेरेंस होता है, सर्कमफेरेंस यानी परिधि,
फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू मैंने बताई आपको कहां से आई, 22/7 आया, 3.14 आया, ये सब आया कहां से, ये मैंने आपको बता दिया। तो सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई आर, हिंदी में इसको पर भी कहते हैं, हिंदी में भैया इसको पाई ही कहते हैं, हिंदी में इसको पाई ही कहते हैं और कुछ कहते नहीं, पाई ही कहते हैं हिंदी में। ठीक, तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। मान लीजिए रेडियस क्वेश्चन आपको दिया, पूछेगा कैसे है रेडियस, मान आप मान लीजिए कुछ दे दिया वैल्यू उसकी 7 सेंटीमीटर दे दिया, तो सर्कमफेरेंस आप निकाल ले जाएंगे तो 2 × π वैल्यू दी थी 22/7 और आर दिया आपको 7 सेंटीमीटर, इसको इससे काट के आ जाएगा आपका 44 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ गया परिधि आ गया। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा परिधि क्या है, इसके चार बच्चे दूरी है। अब वृत्त का क्षेत्रफल जो कि आपने जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको बता रहा हूं, क्षेत्रफल माने होता क्या है कि किसी भी वस्तु द्वारा या किसी भी आकार द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र, मतलब कितनी जगह वो घेर रहा, जितनी जगह वो घेर रहा उसी को हम लोग क्षेत्रफल से कहते हैं, मतलब क्षेत्र का फल। फल का मतलब क्या होता है, किसी चीज को प्राप्त करना, वही क्षेत्र का फल जो होता है क्षेत्रफल एरिया, वो कितनी जगह घेर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है उसको हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द सर्कल होता है एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, जो कि मैंने आपको बताया अभी एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। जैसे आर की वैल्यू मान लीजिए आपका 7 सेंटीमीटर है, तो उसको निकालने कैसे बहुत सिंपल बता रहा हूँ, लेकिन तब भी जान लीजिए आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और पाई है, पाई वैल्यू 22/7 होती है, आर जहाँ लोग 7 × 7 लिख सकते हैं क्योंकि ये है क्या आर स्क्वायर है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 22/7 और 22/7 तो क्या लिख सकते हैं 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो सर्कल होता है, सर्कल में जो सर्कल जो डायमीटर होता है, डायमीटर होता क्या, वो सर्कल फेरेंस पर कोई भी 2 पॉइंट होती है और वो जो लाइन होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं डायमीटर कहते हैं, तो जो लाइन होती है वो क्या होती है केंद्र से होकर जाती है। अगर अभी शुरुआत में मैंने बताया था, शुरुआत में जब मैंने शुरू किया था तो उसमें बताया था कि जो त्रिज्याएं होती हैं वो अनंत होती है, अगर त्रिज्याएं भैया अनंत हैं तो ये डायमीटर भी तो अनंत होगी, इसकी भी कोई संख्या नहीं होगी, ये भी क्या होगी अनंत ही होगी। ठीक है, तो डायमीटर की संख्या कितनी होती है इनफाइनाइट होती है, अनंत रेखा हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, डायमीटर हम अनंत खींच सकते हैं। अब आप सोचिए ये जो डायमीटर होती है इससे बड़ी रेखा सर्कल के अंदर खींची जा सकती है, नहीं खींची जा सकती, इससे बड़ी रेखा हम लोग सर्कल के अंदर नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप जान लीजिए वृत्त में सर्कल डायमीटर से बड़ी कोई रेखा नहीं होती। ठीक, अब देखिए कॉर्ड यानी जीमा क्या होती है कि सर्कमफेरेंस पर कोई भी 2 पॉइंट है, सर्कमफेरेंस पर कोई भी 2 पॉइंट है उनको मिलाने में जो लाइन होती है, उनको मिलाने में जो रेखा होती है क्या कहते हैं जीमा यानी कॉर्ड कहते हैं। ठीक, जरूरी नहीं है कि ये हमेशा यही से जाए, कहीं बाहर भी केंद्र से होकर भी लाइन जा सकती है, मतलब तो कोई जरूरी नहीं है कि केंद्र से होकर ना जाए, कि केंद्र से भी होकर जा सकती है। ठीक है, अब मान लीजिए केंद्र से होकर अगर जाएगी इसको भी हम लोग जीवा कह सकते हैं, इसको हम लोग कहते क्या है डायमीटर कहते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है, जो सर्कल की जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे लंबी जो जीवा होती है उसे क्या कहते हैं डायमीटर कहते हैं। ठीक है, और सबसे छोटी क्या होती है, सबसे छोटी जानने के लिए आपको सर्कल में पहले कुछ जानना पड़ेगा कि जो सर्कल में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो जान लीजिए कि सर्कल की कोई बाह्य पॉइंट, सर्कल के बाहर कोई बिंदु है, सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है, वहां से एक लाइन ऐसी जाए कि सर्कल को टच हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है भैया, इसको क्या कहते हैं स्पर्श रेखा यानी टैंजेंट रेखा, स्पर्श रेखा यानी टैंजेंट रेखा। ठीक, अगर ये लाइन इसको काट दे दिया ऐसे भी तो जा सकती है, इसको हम लोग सीकेंट कहते हैं, सीकेंट यानी छेदक, ये सब चीज बात की है जो वृत्त का चैप्टर पढ़ाऊंगे तो उसमें जरूरत पड़ेगा। ठीक है, ये इस पास रेखा है और ये छेदक रेखा है, ये सीकेंट। ठीक, तो जो लाइन वृत्त को टच कर कर जाती है, जो रेखा वृत्त को टच कर कर जाती है, इसे पूरी दुनिया किस नाम से जानती है, उसको हम लोग स्पर्श रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यही स्मॉल स्पॉट क्या होती है टैंजेंट, मतलब क्या जो लाइन टच कर कर जाती है, सबसे छोटी जीवा होती है वृत्त। सर्कल है, इसमें कुछ और चीजें हैं वो जान लीजिए आप, सर्कल में
कि सर्कमफेरेंस पर आप कंपास को रखिए, कंपास पर रखने के बाद कोई भी दो आर्क लगा लीजिए, एक आर्क ऐसे लगेंगे, एक आर्क इधर लगेंगे, हो सकता है आप ऐसे आर्क लगाएं, कुछ भी आर्क लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ इससे देख कर लग रहा होगा कि ये जो छोटा वाला ठीक है छोटा आर्क है, ये क्या है बड़ा आर्क है, ठीक है, ये क्या है छोटा आर्क है और ये क्या है बड़ा आर्क है। इसको हम लोग कहते हैं लघुचाप, हिंदी वालों के लिए इसे कहते हैं लघुचाप। और इंग्लिश वालों के लिए इसको कहते हैं माइनर आर्क। ये आर्क जो है ये क्या है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी जो दूरी है यहां से यहां की जो दूरी है वो क्या है, बहुत छोटी, ठीक है। और ये जो दूरी है मतलब ये जो चाप की लंबाई है ये क्या है ज्यादा, ये चाप की लंबाई क्या है बड़ी है, इससे तो बड़ी है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं लघु चाप, इसको क्या कहते हैं लघु चाप या मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट मेजर इसको मेजर आर कहते हैं, मेजर आर, ठीक है भैया। ये हो गया लघु चाप आ चाप, और ये से ये हो गया लघु चाप, और ये हो गया आपका दीर्घ चाप। दीर्घ चाप क्या इंग्लिश वालों में इसको कहते हैं मेजर आर, ठीक है। अगर इस सेंटर से सेंटर से सेंटर से इस आर को हम मिला सेंटर से जहां पर आर लगा है इसको मिला, इसको हम लोग रेडियस कहेंगे भैया, इस आर को हम मिला, ठीक है। सेंटर जो आर को काटे थे उसको हम सेंटर से मिला, सेंटर से मिलाने के बाद ये जो एरिया कवर कर रहा है, ये जो एरिया कवर कर रहा है ये छोटा, इसको क्या कहेंगे हम माइनर माइनर सेगमेंट, ठीक है। ये क्या क्या है खंड, ये वृत्त का क्या है खंड, ये वृत्त का क्या है तो खंड, ठीक है। ये क्या है और ये देखिए ये भी तो वृत्त का खंड ही है, ये भी तो क्या है वृत्त का खंड ही है ना भैया, ये क्या है वृत्त का खंड है, ये क्या है बड़ा और ये क्या है छोटा, ठीक है। ये क्या है छोटा और ये क्या है बड़ा, तो इसको क्या कहेंगे छोटा वाले क्या कहेंगे, छोटे वाले क्या कहेंगे, छोटे वाले को कहेंगे माइनर सेगमेंट या लघु खंड, लघु खंड, ठीक है भैया। और ये जो बड़ा है ये जो क्षेत्र घेर रहा है इस सेंटर से ये क्या है बड़ा, बड़ा इस आर के इस आर के आर्क की जो लंबाई थी इस आर्क की जो लंबाई उसे हम लोग क्या कहते हैं मेजर मेजर आर्क या दीर्घचाप, ठीक है। और ये जितनी जगह घेर रही थी ना क्षेत्रफल ये घेर रहा है उसे क्या कहेंगे मेजर सेगमेंट, ठीक है। और इंग्लिश वालों में हिंदी वालों में इसको कहते हैं दीर्घखंड, ठीक है भैया, इसको क्या कहेंगे दीर्घखंड, ठीक। अब इस सर्कल में ठीक है ये सर्कल, इस सर्कल में ये जो सर्कल है इस सर्कल में ये आर आर यहां पर लगा हुआ था, आर यहां पर लगा था उसको जब हम लोग रेडियस से मिला रहे हैं, आर यहां पर लगा हुआ था उसको जब जब हम लोग रेडियस से मिला रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सेंटर का कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, ये जो आर है ये आर है, ठीक है भैया, ये जो आर है ये क्या है माइनर आर, ये सेंटर पर कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, कब बना रहा है जब हम इस रेडियस को और इस रेडियस को मिला देते हैं, जहां पर हम लोग आर्क लगाए गए थे उस आर्क जो लगाए थे उसको हम लोग सेंटर से मिला दे रहे हैं, सेंटर से मिलाने के बाद ये सेंटर पर देख रहे हैं कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, ठीक है। कि सेंटर पर क्या कर रहा है कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, हो सकता है इस एंगल का मान 45 डिग्री हो सकता है 60 डिग्री हो कुछ भी हो, ठीक। और एक एंगल ये भी बन रहा है, ये भी तो एंगल बन रहा है, ठीक। अगर ये मान लीजिए थीटा डिग्री है, एंगल को मैंने बताया था थीटा से दिखाते हैं, अगर ये थीटा तो ये कितना होगा 360 माइनस थीटा, ठीक। तो ये है क्या, ये थीटा है क्या, ये क्या कर रहा है इस सर्कल का, ये क्या कर रहा है इस माइनर सेगमेंट का क्या है एंगल, इस माइनर सेगमेंट का क्या है एंगल, और ये क्या है मेजर सेगमेंट का एंगल, ठीक है 360 माइनस, क्योंकि किसी भी सर्कल में किसी भी सर्कल में कंप्लीट एंगल कितना होगा, मतलब कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री होता है, अगर ये थीटा तो ये कितना होगा 360 माइनस थीटा होगा भैया,
ठीक है, अगर इस हिस्से को मैं काट के लिया हूं, जैसे पिज्जा आता है भैया खाने के लिए घर पे, पिज्जा घर पे मंगाते हुए ना, वैसे कट के ही आता है, ठीक है, कट के आता है, अगर इस कटे हुए भाग को, इस कटे हुए भाग को अगर हम निकाल लें, जैसे कटा हुआ जो भाग है इतना हिस्सा, इसको निकाल लें, तो कुछ ऐसा बन गया ना, सर्कल का एक खंडित रहता है, सर्कल का क्या रहता है, एक सेगमेंट रहता है, ठीक, इसका एरिया निकालने के लिए आप लोग में आता है, मेनली इसी का आता है, ठीक है, मेनली इसी का एरिया निकालने के लिए आप में आता है, ठीक। तो अभी मैंने क्या बताया कि जो सर्कल का एरिया होगा, सर्कल का एरिया आपको मैंने क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया मैंने आपको क्या बताया था, पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब ये है क्या सर्कल का, क्या सर्कल का क्या है, एक खंड, ठीक है, इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसी पाई आर स्क्वायर का क्या है, इसी वृत्त का एक हिस्सा है भैया, इसी वृत्त का क्या है, एक हिस्सा है, वो हिस्सा कितना होगा, ठीक है, कौन 360, अगर इस हिस्से का एरिया हमको निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, थीटा कौन 360 से गुणा करेंगे, तब ये क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ आर, ये क्या आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ आर, एरिया ऑफ आर पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360, ठीक है भैया, ठीक। अब ये क्या है, एरिया ऑफ आर का है, ठीक है, और ये त्रिज्य खंड का है, त्रिज्य खंड हिंदी में बोलते त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना है, पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक। अब मान लीजिए अगर हमको इसी त्रिज्य, इसी जो आर का, यही जो खंड का, इसकी हमको दूरी निकालनी है, चाप की लंबाई निकालनी है, चाप की लंबाई आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, चाप की लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ आर, ये क्या है, एक तो जो पूरा सर्कल था ऐसे ही तो सर्कल था, उस सर्कल का क्या है, छोटा सा हिस्सा, उस सर्कमफेरेंस का, या उस सर्कल में जो सर्कमफेरेंस था उसका क्या है, छोटे से हिस्से की लंबाई निकाल रहे हैं, ठीक है, छोटे से हिस्से की हम लोग लंबाई निकाल रहे हैं, ठीक है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता था, सर्कमफेरेंस यानी व्यास, वृत्त की परिधि क्या होती थी, 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होती थी, 2 पाई आर, ठीक है, और ये है क्या, उसका एक छोटा सा हिस्सा है, इसमें भी उसी से क्या करेंगे, थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो लेंथ ऑफ क्या आ जाएगी, आर का, ठीक है, ये लेंथ क्या है, एरिया ऑफ आर का, और ये क्या है, लेंथ ऑफ आर का, इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर आपको कुछ क्वेश्चन कराता हूं, मान लीजिए आपको दिया कि एक सेगमेंट है, एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है, इस सेगमेंट का आपको एरिया निकालना है, जो कि सेंटर पे, जो सर्कल का सेंटर था वहां पर एंगल बना रहा था 60 डिग्री, और की जो रेडियस की वैल्यू है, ये रेडियस की वैल्यू है, पहले इसका एरिया निकालिए, इस सेगमेंट का क्या करिए, एरिया निकालिए, एरिया ऑफ सेगमेंट होता क्या है, अब ये आपको बताएं, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई बटे 7, 22 अपॉन 7, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये एक जो सर्कल का सेगमेंट है, सर्कल का एक खंड है, इसमें आपको एरिया निकालना है, मान लीजिए बोर्ड में एक नंबर पे क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया, कह दिया कि एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल दिया, या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालें, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपका एंगल कितना दिया गया, यहाँ पर 60 डिग्री, और इसी त्रिज्या दे दिया 7 सेंटीमीटर, तो अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया, एरिया ऑफ सेगमेंट होता है पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, वैल्यू पुट करिए, पाई की वैल्यू कितनी होती है भैया, पाई बटे 7, ठीक, आर की वैल्यू कितनी होती है, होती कितनी है, क्या मतलब 7 दिया ही होता है, 7 दिया, ठीक, 7 इनटू 7, थीटा की वैल्यू दिया कितना है, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, 60 अपॉन 360 डिग्री, इससे इसको काटिए, 1 बटे 6, ठीक, इससे आंसर से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 बटे 7 154, 154 बटे 6, इसको आप भाग दीजिए तो आएगा 25.67 के करीब आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ ए सेगमेंट आ गया, ठीक भैया, तो ये आपको ऐसे पूछेगा, तो कैसे निकालेंगे, ये मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आपको निकालना है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूं,
लेंथ पूछ लिया, मतलब कि जो चाप थी चाप की लंबाई पूछ लिया, तो उसको कैसे आप निकालेंगे? तो चाप की लंबाई निकालने के लिए मान लीजिए आपने यहाँ पर जो एंगल दिया है वो 30 डिग्री दिया है, यहाँ पर जो एंगल दिया है आपको वो कितना दिया 30 डिग्री दिया, और ये 40 सेंटीमीटर दे दिया। ठीक, आर्क एरिया ऑफ कर्व, लेंथ कैसे निकालेंगे? लेंथ ऑफ आर्क के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है, 2πr इनटू थीटा अपॉन 360, 2πr इनटू थीटा अपॉन 360। ठीक है भैया, तो 2πr वैल्यू कितनी है, पाई वैल्यू होती कितनी है, पाई बटे सर r वैल्यू कितनी है, त्रिज्या की वैल्यू कितनी दिया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थीटा कितना है 30 डिग्री। ठीक, तो 30 अपॉन 360। तो ये 7 से इसको काटिए, दो बार में क्या, और ये 30 से 30 से करना क्या हो जाएगा 12, तो कितना बचा 2 × 22 × 2 = 12। ठीक है, 2 से इसको कैंसिल आउट करिए आ जाएगा 6, 2 से इसको कैंसिल आउट करिए आ जाएगा 3। ठीक, तो बचेगा क्या 22 / 3, इसकी वैल्यू जब आप करेंगे तो 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या होगी, यहाँ पर रहेगा सेंटीमीटर या मीटर या डेसीमीटर, कुछ भी जो दिया होगा वो होगी 7.33 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू होगी। ठीक, इसको नोट कर लिया भैया, इसको देखिए एक क्वेश्चन और, एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है आपका 40 डिग्री, मान लीजिए बन रहा है। ठीक है, तो कहा है क्वेश्चन में आपसे कि यहाँ पर एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री, और ये जो दूरी है वो 21 सेंटीमीटर, ये जो रेडियस आपको दिया है वो 21 सेंटीमीटर है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, कहा है कि जो सर्कल में जो मेजर आर्क है, मतलब क्या, जो दीर्घ चाप है, दीर्घ चाप द्वारा जो जितनी भी घिरी आकृति है, दीर्घ चाप चाप द्वारा जितना घिरा क्षेत्रफल है, मतलब क्षेत्रफल का मतलब क्या, मतलब कुल मिलाकर आपको निकालना क्या है, दीर्घखंड का क्षेत्रफल निकालना है, दीर्घखंड का क्षेत्रफल। उस क्वेश्चन में कहा है दीर्घखंड का क्षेत्रफल, उसने उसने क्वेश्चन में यहां का एंगल दिया है 40 डिग्री, ये 21 सेंटीमीटर है, और इसमें आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस वृत्त के इस आर का क्या करना है आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, किस हिस्से का, दीर्घखंड का, मेजर सेगमेंट का आपको ये निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, पहला तरीका सुन लीजिए तो मैं बताता हूँ आपको। पहले आप क्या करिए, पूरे सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, पहला तरीके से बताऊँ यहाँ, पहले उस सर्कल का पूरा एरिया निकाल दीजिए, सर्कल का एरिया निकालिए, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 2/7, आर की वैल्यू 21 × 21, तो ये काट दिया 3 × 21, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री, पाई 2/7, आर की वैल्यू कितनी है 21 × 21, थीटा वैल्यू कितनी है यहाँ 40 डिग्री दिया भैया, थीटा वैल्यू कितना दिया है 40 डिग्री, 40 / 360, इसको इससे काटिए 40 से 360। ठीक है, बस 7 से 1 बढ़ जाएगा 3। अब देखिए 22 × 3 × 21 / 9, 3 से इसको कैंसिल करके 3 × 3 = 3, और इसको काट दीजिए 7। अब इसको जब गुणा करें कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है भैया। ठीक है, तो देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट आ गया, एरिया ऑफ सर्कल आ गया, इन दोनों को आप घटा दीजिए, ये जो मेजर सेगमेंट है यानी जो दीर्घखंड है उसका क्या रहेगा, क्षेत्रफल आपका आराम से आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये किसका था, माइनर के लिए था, ये किसके लिए था भैया, माइनर के लिए था, मेजर के लिए निकाल दिया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। हिंदी वाले समझ ही नहीं, दीर्घखंड और लघुखंड के लिए
इसके लिए क्या करना है आपको, एरिया ऑफ सर्कल उठाइए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सर्कल निकालिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दो तीन 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, वही मैंने आपसे कहा था शुरुआत में, इसका जो तरीका एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, पहले ये वाला तरीका आपको समझ गए होंगे, दूसरा तरीका क्या है उसके लिए, दूसरे तरीके आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे तरीके लिए कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। जैसे मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था, अगर इतना एंगल थीटा डिग्री है, इतना अगर थीटा है तो कितना होता था 360 माइनस थीटा, अगर ये 40 है तो इसमें इतना कितना होगा, 360 माइनस 40 होगा ना, तो देखिए ऐसे बनेगा ये, अगर इतना काट के निकालना चाहे ना ऐसे बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। ठीक, तो ये कितना हिस्सा होगा, इसका एंगल कितना होगा, 300 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 40 40 को घटाना है 360 में, 40 घटा दीजिए कितना है 320 डिग्री आएगा, मतलब ये कितना होगा 320 डिग्री। ठीक, अब इसका आपको डायरेक्ट एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालिए, आप ऐसे करके लगा सकते थे, एरिया ऑफ सर्कल निकालिए, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालिए, दोनों घटा दीजिए तो मेजर का आपका आ जाएगा, मतलब दीर्घखंड का आ जाएगा, या डायरेक्ट भी का भी आप निकाल सकते हैं, अगर इतना 40 है तो उतना कितना 320 डिग्री। ठीक भैया, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360, तो पाई सेंटीमीटर कितनी होती है, 2/7, आर का वैल्यू कितना दिया है वहां पर 21 सेंटीमीटर, आपकी आर का वैल्यू कितना दिया 21 सेंटीमीटर, आपको आर का वैल्यू उसने दिया हुआ है। ठीक है, 21 में आर की 21/21, और थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है 320 डिग्री, वहां पर 40 था क्योंकि वहां पर हम लोग किसका निकालते हैं, माइनर, यहां पर डायरेक्ट हम लोग मेजर का निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां पर 320 अपॉन 307, अब इसको सॉल्व करिए, 7 3 21, इसको काटिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 से काटिए, 4 8 32, 4 हो गया। अब इसको फिर से मैं लिख दे रहा हूं, 22 × 3 × 21 × 8/2। ठीक है, अब 9 से कटेगा, 3 बन गया, 3 का 37, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 154 × 8, 154 × 8 से इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 3 8 5 4 3 8 120 123 123 सेंटीमीटर। देखिए ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, पर ये थोड़ा सा लंबा तरीका है, इसको अगर आपको मान लीजिए नहीं आता है कि कैसे इसको निकालना, नहीं समझ में आ रहा, तो एक तो ये जो सिंपल तरीका है, बड़े सर्कल का एरिया निकाल लीजिए, इसका एरिया निकाल लीजिए, इसको घटा दीजिए, दोनों तरीका मैंने आपको समझा दिया कैसे इसको हैंडल करना है। कुछ और क्वेश्चन है उसको भी मैं बता दे रहा हूँ। नोट हो गया, चलिए अच्छी बात है, आगे मैं इरेज कर रहा हूँ इसका। थोड़ा सा सोचिए, कुछ करना नहीं है इसमें, ये भी एकदम इजी।
क्वेश्चन है, क्या कही पहले बड़े वाले का एरिया निकाल लीजिए, पहले बड़े वाले का एरिया निकाल लीजिए, फिर उसके बाद इसका एरिया निकाल लीजिए, बड़े वाले में से इसका एरिया हटा दीजिए, आपको इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, बड़े वाले का एरिया निकाल दीजिए, इसका एरिया निकाल दीजिए, घटा दीजिए, निकल जाएगा। तो नाम मैं दे देता हूँ ए बी सी डी और ई। ठीक, तो एरिया ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी डी। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी डी कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है, 7, 7 गुणे 7, थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू दिया 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ठीक, तो इससे कट जाएगा, 6 बार जाएगा, इसका कितना आया 49 अपॉन 6 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया एरिया ऑफ सेगमेंट एसीडी। ठीक है, अगर एरिया ऑफ हमको निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी हम निकालना पड़ेगा, ए बी ई, उसका भी क्या फॉर्मूला होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360। तो पाई की वैल्यू कितनी दी है 22, पाई की वैल्यू ना रखिए क्योंकि लास्ट में रखिएगा, क्योंकि वहां पर मैंने भी नहीं रखा। ठीक है, यहां पर पाई आर की वैल्यू कितनी है 3.5, देखो 3.5 को हम 7.2 भी लिख सकते हैं, इसलिए कर रहा हूं थोड़ा सा आसानी हो। ठीक है, तो 7.2 भी लिख सकते हैं, जो समझ में आ गया होगा ना, ये थे 7.2, थीटा की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन 360, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 49 पाई अपॉन 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आ गया छोटे वाले का, ए बी डी का आ गया, ये किसका था, ए सी डी का था, हमको निकालना है किसका, सी सी बी ई डी का निकालना है, एरिया ऑफ सी बी ई डी, एरिया ऑफ सी बी ई डी। ठीक, एरिया ऑफ सी बी ई डी क्या करना पड़ेगा, बड़े वाले में से छोटे वाले को हटा दीजिए, बड़े वाले में से जो इसका एसीडी के में एरिया में से ए बी का हटा दीजिए, एसीडी का कितना आएगा 49 अपॉन 6 पाई माइनस इसका कितना आएगा 49 पाई अपॉन 4, 49 पाई अपॉन 24। एलसीएम निकाल लीजिए, आएगा 24, तो इसको 4 से करिए, सॉल्व करिए, 196 पाई माइनस 49 पाई, 6 में से 9 गया 7, 16 में से 9 गया 7, अच्छा 8 में से 4 गया 4, 147 का 24। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा आपका, हो सकता है क्वेश्चन में बुक में आंसर यही आपका देखा छोड़ दिया हो, 147 पाई अपॉन 24, जैसे कि वॉल्यूम वाले चैप्टर में होता था, आंसर लास्ट में क्या करता था, पाई के रूप में छोड़ देता था लास्ट में। ठीक है, वैसे नहीं कर सकते आप, या तो पूरा सॉल्व कर लीजिए, पूरा सॉल्व करके देखते हैं, 24 इनटू 22 अपॉन 7, 7 से कैंसिल आउट करिए, 21 ये 2 से हो जाएगा 12, 11। अब इसको डिवाइड करिए, कैसे आपको सॉल्व करना है मैंने बता दिया कि एरिया ऑफ सेगमेंट के जितने भी क्वेश्चन है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने कोशिश किया कि सारी चीज को आपको समझाया है। ठीक, और आप अपने क्वेश्चन सारे लगाइएगा, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा, मैंने आपको उसका भी तरीका बता दिया है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर आप सारे क्वेश्चन को भेजिएगा। ठीक, अगर कुछ क्वेश्चन उसमें से अच्छे होंगे जो बिना समझाए नहीं समझ में आएंगे, उसको मैं क्लास में आके समझा दूंगा, और जो नहीं जो बताने वाले होंगे मैं उसको उसी पर सेट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम कल मिलते हैं, थैंक यू।